Joseph Global Group, editor of Modern Plastics TV and Modern Plastic Global Network here at Shiva Polymers at Kathmandu, Nepal. Thank you for inviting us and hosting us here in Nepal. And uh, uh, I'm going to uh, speak to Mr. Ashish Podar of Shiva Polymers. And I'm sure that the insights will be helpful for the global plastic industry to understand the Nepal market. Thank you, uh, Mr. आशीष पोदार फॉर जॉइनिंग मॉडर्न प्लास सिक्स टी वी हमें बहुत खुशी हो आप हमारे पास लाइव मॉडर्न प्लास सिक्स टी वी में आया उसके लिए थैंक यू और आ, सर आपकी कंपनी के बारे में आपकी जर्नी आप आ, कितने साल से सा कैसा आ, आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसा हुआ है आ, आने वाले दिनों में आपकी प्लानिंग्स क्या है वाट विल बी द ग्रोथ परसेंटेज इन द कमिंग डेट्स ये हमारे व्यूअर्स को बताइएगा सर थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी मेरी ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ लाइक like मेरे पापा ने और मेरे ग्रैंड ने स्टार्ट किया था उस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं था इधर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ कि सम वॉट कि यहाँ पे हम लोग ने दो मशीन लगाया था और उस टाइम राशनिंग सिस्टम होता था कि हम लोग को ला लाइसेंस लेके काम करना पड़ता था लाइसेंस लेके उसमें फिर हम लोग को दो टन एक टन का अलाउंस मिलता था और फिर हम लोग उसको प्रोड्यूस करते थे मैन्यूफैक्चर करते थे और धीरे धीरे उस और वही माल को हम लोग ठेला पे बेच के उस टाइम प्लास्टिक भी क्या होता था कि कोई नहीं जानता था बट वी एजुकेट पीपल उस टाइम हम लोग ने एजुकेट किया और धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम लोग ने चेंज करवाया और आज ये है कि हम हम लोग ऐसे स्टेज पे हैं कि आज इसके बिना नेपाल में कहीं पे भी काम नहीं हो सकता हम ये देख रहे हैं कि आगे भी प्लास्टिक में ग्रोथ बहुत अच्छा है और हम लोग जिस स्टेज पे गए हैं वो स्टेज शायद हम लोग बहुत मुश्किलों से ही पार किया है ये जर्नी और आगे भी बहुत मुश्किल है लेकिन हम लोग इसको कोअप कर रहे हैं और आगे ये है कि हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी ये हम चाहते हैं और डे बाई डे आज के दिन में हमारी लाइन्स काफ़ी अच्छी है दो एक्सट्रेशन से चालू किया और डे बाय डे हम लोग चेंज करते जा रहे हैं उस चीज़ को हम जो आज के मॉडर्न जमाने में जो मशीन्स आ रही है वी आर रिपेयरिंग चेंजिंग द थिंग्स और आज के दिन में हम हम लोग के पास करीबन पंद्रह से बीस लाइन है जो खाली मैन्युफैक्चर करती है शॉपिंग बैग्स गार्बेज बैग्स बायोडिगेबल बैग्स विच इज़ वेरी एनवायरमेंट एं, फ्री फॉर नेपाल गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंट ग्लोबली थैंक यू आपके पास किसकी किसकी मशीन्स है और आप कहाँ कहाँ से मटेरियल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि आपको अभी चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं अभी भी है चैलेंजेस व्हाट आर द चैलेंजेस हम लोग ने शुरुआत जब करी थी तो थाईलैंड से मशीन मंगवाई थी हम लोग ने श्याम प्लास्टिक बोल के बट ना वट इज़ अब बाहर से मंगवाना इट्स नॉट ईजी बाहर से मंगवाए उस टाइम फैसिलिटीज़ था सब कुछ था लेकिन पार्ट पुट से उनके नहीं मिलते थे अब क्या है कि हम लोग इंडियन मशीन्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं दैट इज़ वेरी गुड और उनके पार्ट पुर्जा और उनकी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ टाइम से मिल जाती है और आगे के लिए हमारा चैलेंजेस इतना है कि यहाँ पे अभी तक आपका ये एक तो सी पोर्ट नहीं है लेबर एजुकेटेड नहीं है लेबर एजुकेटेड नहीं है सो लेबर मिलना बहुत मुश्किल है प्लस कुछ कुछ फैसिलिटीज़ जो हम लोग को चाहिए लाइक कुछ ड्यूटी कम हो चीज़ों में और कुछ आपके ये रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हो जाए इंडिया से वो सब फैसिलिटी अभी तक यहाँ पे अभी तक सुविधा हुई नहीं है हम लोग मेजर चैलेंजेस तो यही सब फेस कर रहे हैं अभी तक कि ये फैसिलिटीज़ अब इंडियन ऑयल पहले के टाइम में ये होता था कि थर्ड कंट्री साबिक वगैरह से सबिक एग्जॉन ये सब से आता था बट जब से जब से इंडियन ऑयल रिलायंस वगैरह ने सप्लाई करना चालू किया है तब से हम लोग को थोड़ा इजी हो गया है बहुत इजी हो गया बहुत अच्छा भी हो गया है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि आगे और और कंपनीज आए जो इस तरह की फैसिलिटी और सुविधा हमको देवे तो हम और लेबर की जो फैसिलिटीज़ है लेबर मेन है वो कि वो एजुकेट हो हम लोग की फैसिलिटीज हो और कि डे बाई डे जो चेंजेस आ रहे हैं मशीनों में या कुछ आ, आपके चीज आपके जो इनर्जीज वगैरह में सब चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग को मशीन वाले अथवा को जो भी एक हैं मतलब इस सब की हम लोग को एजुकेट करें या कोई हम लोग को बताता रहे सो डैट हम लोग अपनी मशीनों में और अपनी चीज़ों में भी हम लोग मॉडिफाई कर अमंग डैम मेजर चैलेंजेस इज रिसाइकिल नेपाल में अभी इतना रिसाइकिल का स्कोप नहीं है आज जब दुनिया भर दुनिया पूरा इस रिसाइकल पे फेस कर रही है फोकस कर रही है नेपाल में उसका कोई फोकस नहीं है सो so, ऐसे कोई इंडस्ट्री या कोई आदमी लोग जो नेपाल में एजुकेट कर सके या कुछ ऐसा रेवोल्यूशन ला सके जो वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक कर सके या गवर्नमेंट उसकी सहायता कर दे तो नेपाल भी एक खूबसूरत शहर है और उससे भी बहुत बढ़िया शहर हो जाएगा इसके लिए ये ही है कि वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाए कैसे सेग्रीगेट किया जाए ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल है इसके लिए मशीन्स और क्या क्या टेक्निक आ, टेक्निक चाहिए उसको ठीक करके और उससे क्या रिसाइकिल चीज़ें बन सकती है उसका उपयोग क्या कर सकते हैं ये अगर पता चल जाए और कोई एजुकेट करने वाला रेगुलर यहाँ पे हो बैठा हुआ हो तो नेपाल में बहुत अच्छा हो जाएगा ये चीज़ के लिए सो मेजर चैलेंजेस इज़ रिसाइकल ऑल्सो सो ये एक चीज़ है जिस पे मैं ख़ास फोकस करना चाहूंगा कि रिसाइकिल को कैसे मैनेज किया जाए हाउ टू रिड्यूस री यूज़ रिसाइकिल द थिंग्स द प्लास्टिक्स आपके पास अभी आपने बताया पंद्रह लाइन है किस किस की कंपनी इंडिया से है कहाँ कहाँ से है कौन सी कौन सी मशीन यूज़ करता है और आपकी प्रोडक्ट रेंज में पैकेजिंग के अलावा भी आप कुछ करते हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अलावा भी कुछ करता है हम लोग ने जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते रहे वैसे वैसे पुरानी मशीन डिस्कार्ड करते रहे अभी हमारे पास एक्सोन का है वो सॉरी मशीन्स में आपके मशीन्स में अशोका है आपके काबरा का एक्सट्रूशन है विंडसर है मिलाकरण है लाइक धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे ग्रो करते गए हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग में जा रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में हम लोग वी आर मेकिंग ग्लास एंड ऑल थिंग्स टू सो डैट कि जो डे बाई डे वी वॉन्ट टू इंक्रीज एंड ग्रो सो पैकेजिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है वी वॉन्ट टू गो फॉर थ्री लेयर और मल्टी लेयर पैकेजिंग श्रिंक फ्लेम्स स्ट्रेच फ्लेम्स एंड ऑल सो वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर ऑल्सो आप नेपाल कंज्यूमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि uh, और uh, ग्लोबल प्लास्टिक मशीन मैन्युफैक्चर एंड मटेरियल सप्लायर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नेपाल वालों को हम यही कहना चाहेंगे जितना उत्पादन नेपाल में होता है जो चीज़ के नेपाल में उत्पादन होती है प्लीज़ मैं उन लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप नेपाली ही यूज़ करें चाहे वो झोला हो चाहे प्लास्टिक की बाल्टी हो चाहे कुछ भी हो ताकि एक डोमेस्टिक मार्केट ग्रो हो और इसको हम लोग हम लोग दिखा सकें कि हम लोग भी वर्ल्ड में कुछ कर रहे हैं ग्लोबल में ग्लोबल में ये चाहता हूँ कि ग्लो की नए नए टेक्नोलॉजी लेके आए हम लोग को एजुकेट करें और वो यहाँ पे हम लोग को फैसिलिट करें और ताकि हम लोग भी उस हिसाब से हम लोग ग्लोबल में सस्टेन कर सकें थैंक यू मिस्टर आशीष पोदार फॉर जॉइनिंग मॉडर्न प्लास्टिक्स टी वी एंड आई एम श्योर दैट इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो इन अ बिगर वे आश्यू सेट थैंक यू फॉर योर इनसाइट फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्लोबली एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोइंग टू ग्रो इन अ बिगर वे थैंक यू सो मच सर